मन राम पद कमल नीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी। हनुमान जी महाराज ने देखा दूर से मैया जानकी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं और बड़ी ही दीनहीन अवस्था में हनुमान जी बहुत दुखी होने लगे माता जानकी की ऐसी अवस्था को देख करके। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तयावा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी महाराज बहुत दुखी, लता पताओं में छुप करके हनुमान जी महाराज सारा दृश्य देखते हैं। दूर से ही माता को मन ही मन प्रणाम करते हैं। तभी देखते हैं कि रावण कुछ अपने सैनिकों के साथ, कुछ राक्षसियों के साथ मैया जानकी के पास आता है। सारे राक्षस उन्हें बहुत डराने की कोशिश करते हैं। रावण भी माता जानकी से कहता है कि हे सीते, तुम एक बार मेरी तरफ केवल देख लो। लेकिन माता जानकी कभी रावण की तरफ देखती नहीं है, देखती भी हैं तो एक तिनके का सहारा लेकर। जय श्री राम। आज की लीला को देखने के लिए हमारे समक्ष धारावाहिक भाभी जी घर पे हैं के मुख्य कलाकार विभूति मिश्रा, मनमोहन तिवारी वे अन्य कलाकार हमारे समक्ष है। रावण हनुमान के बाद ये सब आपके समक्ष भी रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान विभीषण से भेंट करते हैं। भेंट करने के पश्चात हनुमान विभीषण से कहते हैं कि ये तो दुष्टों की नगरी है और आप जैसे संत इन दुष्टों की नगरी में किस प्रकार निवास करते हैं। तब विभीषण कहते हैं कि हे हनुमत, मैं तो प्रभु राम की सदैव अपने हृदय में लोय जलाए रहता हूं, सदैव उनका नाम स्मरण करता रहता हूं। हे हनुमत, आप तो सदैव प्रभु राम के कार्य में तत्पर रहते हैं, तो ये बताएं क्या प्रभु राम मुझ अधम पर भी कृपा करेंगे। हेलो,
सावधान अशोक वाटिका में पधार रहे हैं अपनी महारानी मंदोदरी के साथ महाराज अधिराज रावण सीते सीते सुंदर सोमुखच इतने विशाल नेत्र घुंघराले भाव और मन को लुभाने वाला अलौकिक रूप बड़ी ठिठाई के साथ हमारे चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। इतने आकर्षण एक साथ मिलकर दिल चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निस्संदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल चंद्रमुखी की शोभा पर है। मैं निकला हूं वापस गड्डी लेके और इस थकती है नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार मोती मिलकर कीच में चमकत है हर बार निसंदेह देखने में धोखा भी हो सकता है परंतु हृदय की बात कभी झूठी नहीं होती। मन की साक्षी किसी को धोखा नहीं देती है। तेरे ऊपर न्यौछावर आज तन मन धन मेरा तू मेरी होकर रहेगी। कह रहा है मन मेरा रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए जिसको जैसा ज्ञान है
वह वैसा ही दिखलाए। सीते, एक बार मेरी ओर प्रेम दृष्टि से निहार तो लो। ये सारी लंका मैं तेरे चरणों में डाल दूंगा। यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, यदि बल था तो उसी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चोटा है चोटा, हर कर लाया है एक अबला को, और अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। छल बल नहीं, नहीं कुछ और ध्यान, दशकंदर तो चाहता है दया दृष्टि का दान, पर तुम पर अभी भी पड़ता है, आंखें नीची रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दशमुख से करती हो, तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों उसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा है? जो तिनका मुझे दिखाते हो। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। मुझको संकट में डालकर तू काहे को हर्ष बनाता है, जा पहुंचा दे उन्हीं प्रभु के पास सीता का जिससे नाता है। अच्छा सीते, तुझे याद होगा मैंने एक मास का समय दिया था, अब बता कि तेरे साथ क्या विचार है, मेरा कहना स्वीकार है या फिर इनकार है? हाँ हाँ इनकार है, जो पहले था आज भी वही इनकार है। आने ना दूंगी आज मैं नारी के मान पर, जो कुछ है मेरे दिल में वही है मेरी जुबान पर। ये जीवन जवानी ये खड़े क्या रोज आएगी, चला जाएगा जब ये रूप तो फिर क्या बनाएगी? यह जवानी यह जीवन कब किसका साथ देता है, केवल नारी धर्म है जो सती का साथ देता है। लोक और परलोक का जो छत्रधारी है, आज मैं रावण तेरे दल का भिखारी है। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं, छत्रधारी हो भिखारी हो अधम जन कुछ नहीं। कर चुका हूं प्रेम की बिनती हजारों बार मैं, प्रेम की बातों को क्यों खोती है तू तकरार में? मोह में फंसकर अब ना तुझे अच्छे बुरे का ध्यान है, वेद का पाठी है और कर्तव्य से अज्ञान है। छुप छुकी है संपदा गया जहां आंखें बिछाती है, तू उसी आनंद और सुख को स्वयं ठोकर लगाती है। संपदा तेरी हरे नादान तो किस गिनती में है, जब यह धर्म जाता है तो फिर यह जान किस गिनती में? जान खोकर जानकर ये काम है अनजान का, धर्म कहती है जिसे
वे काम है नारायण का। मान की चिंता ना कुछ, इज्जत का जिसको पास है, धर्म को क्या समझेगा जो वासना का दास है। सीते सुमुखे सुलोचनी, यदि तू एक बार मेरी ओर प्रेम दृष्टि से देख ले तो मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम्हें यहां की पटरानी बना दूंगा। हे दशभक्त सुन, या तो मेरे पति की भुजाएं जो हाथी के सूंड के समान हैं, वह मेरे गले में आएंगी, या फिर तेरी तलवार की धार मेरी गर्दन पे आएगी। यही सीता की प्रतिज्ञा है। अच्छा तो मरने के लिए तैयार हो जा। ठहरिए महाराज, शोक महाशोक, लंका का राजा और इतना डरपोक, आज जिसके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत हो जाता है, एक अपला भर उठाए हाथ वे भी अनिरीत है। अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से इसे छोड़ देता हूं। सीते, यदि तूने एक मास तक मेरा कहना नहीं माना। रंजीत कहाँ है तू? चलना यार। राक्षसिया, तुम अच्छी तरह से इसकी रखवाली करो, इसे डर दिखाओ और मेरी बात मनवाने का आग्रह करो। क्यों आज्ञा महाराज। क्या हो इतना से डराओ और भारत डराओ। ठहरो राक्षसियों, मेरी बात सुनो। सीता जी की सेवा करने में ही हमारा कल्याण है। कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने देखा हमारा राजा रावण सिर मुंडाए गधे पर उल्टा बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। लंका का विनाश तय है। मैंने देखा राम सीता लक्ष्मण स्वयं पुष्प विमान मर बैठकर लंका से जा रहे हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ अपने सभी पुत्र पोत्रों के साथ चिल्ला रहे थे। उन्हें मगरमच्छ निगल रहा था। यदि यदि अपनी कुशल चाहो तो सीता जी से क्षमा मांगो और यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। त्रिजटासन बोली कर जोरी,
मौत विपत संगन ते मोरे तजो देह कर बेग उपाई दुसहु बिरह अब नहीं सही जाए। मंडल में किसी ने मेरी करुणा जनक वाणी को सुन लिया है जो यह जलता हुआ अंगारा फेंक दिया। अंकल जी कप कर हृदय विचार दीन मुद्र का डार तब जन अशोक अंगार दीन हर से उठ कर गए। रघुनाथ जी तो सर्वदा अजय हैं और ऐसी अंगूठी माया से कभी नहीं बनाई जा सकती। जिसने यह मुद्रिका फेंकी है वह भाई मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होता? हे भाई तुम कौन हो? माताजी प्रणाम। माताजी मैं प्रभु श्री राम जी का भेजा हुआ एक छोटा सा दूत हूँ और मैं आपकी सुधि लेने आया हूँ। जननी मैं राम दूत हनुमान चरण कमल में शत शत वंदन कर दो माँ कल्याण मिला है अवसर आज महान जननी मैं राम दूत हनुमान चमके कोटि सूर्य सा होटल्स ऐसे ऑन गो आई बीबो। हे पुत्र मेरे प्रभु भ्राता लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक तो है?
वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता, अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम जननी मैं, राम दूत हनुमान जननी मैं, राम दूत हनुमान। सभी वानर तुम्हारी तरह नन्हे नन्हे होंगे, परंतु यह राक्षस बहुत बड़े बलवान योद्धा हैं। माता जी, आप मेरा विकराल रूप देखिए। जय श्री राम। जय श्री राम। पुत्र, परंतु यह तो बताओ, मनुष्य और वानर में मित्रता किस प्रकार हुई? प्रभु राम और लक्ष्मण आपको खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पे आए, तो मैंने वानरों के राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता करवाई। उन्हीं की आज्ञा से हम आपको ढूंढने लगे और पता लगाते हुए आपकी सेवा में मैं यहां तक पहुंच गया। माता, पुत्र, मेरे प्रभु बड़े ही दयालु हैं, परंतु उन्होंने अपने हृदय को मेरे लिए इतना कठोर क्यों कर रखा है? कृपा के धाम अपने भ्राता सहित वैसे तो कुशल पूर्वक है, परंतु वे सदैव आपके दुख में दुखी रहते हैं। माता, ये भी सत्य है कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। आप अपने हृदय में धैर्य धारण करें, प्रभु श्री राम जी के अग्नि समान बाणों से राक्षसों को आप जला ही समझें। बस कुछ दिनों के लिए और धीरज रखें माता। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर सहित यहाँ पे आएंगे और समस्त राक्षसों को मार डालेंगे। माता माता, और आपको अपने साथ ले जाएंगे। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के धार्म हो। श्री रघुनाथ जी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे माता, मैं तो कृतार्थ हो गया। मातेश्वरी, ये सुंदर और मीठे फलों से यदि वृक्षों को देखकर माता मुझे बहुत भूख लगाई है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ फल खा लूं। पुत्र, मुझे इसी बात की चिंता है कि इस बाग के रखवाले बड़े बड़े योद्धा हैं। माता जी, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। इन राक्षसों की आप चिंता ना करें, ये तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम श्री राघवेंद्र जी के चरणों का ध्यान कर इस बाग के मीठे मीठे फलों को खाओ।
और पुत्र। यह लो, यह चूड़ामणि मेरे प्रभु को देना और उनसे कहना, यदि एक मास तक वह मुझे लेने नहीं आए तो सीता अपने प्राणों को त्याग देगी। अच्छा माता, अब आप मुझे आज्ञा दें। मेरी भूख तो और तीव्र होती जा रही है माता, अब तो मुझसे सहन नहीं होती माता। माता मैं जाता हूं। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। चूड़ामणि उतार तब दयूं, हर्ष समेत पवन सुत लयूं, कहूं तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। महाबली हनुमान माता जानकी से आज्ञा लेते हैं कि हे माता, माता हनुमान से कहती है कि पुत्र सावधान होके रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भयानक राक्षस रहते हैं। जब हनुमान वाटिका में वृक्षों को तोड़ रहे होते हैं तो वहीं रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, महत निवार सुमत के संगी, वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को शुभ चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सरोर लाए, रघुपति की दी बोल युवराज अक्षय कुमार की जय। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज वदन तुम रो यस गावे, जगे श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्माद मुनि सा, शारद सहित ऐसा, जब कुबेर दिगपाल जाते, तब कुबेर कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज भग दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्रयोजन पर भानु, लीजो जाए मधुर बल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुकमाए, लांग गए अचरज नाए, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु भय सारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहु को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना जय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तप
तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम राजा कुमार की। और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे चारो जुग परताप तुम्हारा है परिषिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट शीत नव निध के दाता अस्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम रे भाषा सदा रहो रघुपति के दासा तुम रे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जा जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन करे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छोटे बंधु महा सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ जय मौलेरा पावन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम अक्षय कुमार की जिसने पूरी अशोक वाटिका को वीरान बनाया है कौन है जो काल के चक्कर में आकर फंस गया पंख नहीं पंछी आकर फंस गया अरे ओ बालक देख तेरी मृत्यु का कारण तेरे सामने है क्या कहा आज तू मेरे हाथों जीवित नहीं बच सकता अभी तुझे मृत्यु के घाट उतार डालूंगा अरे उत्पाती वानर तो आज बचने ना पाएगा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूं देवताओं का शत्रु और
10,000 दानवी सेना का अकेले सरदार हूँ। तभी तो तू आपे से बाहर हो रहा है, अपने इस नन्ही सी जान को यूं व्रत में ही तू खो रहा है। अरे उत्पाती वानर, तुझे अपने प्राणों का मोह है, इसलिए तो तू अपनी सेना को आदेश दे रहा है। अरे तू स्वयं मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? आ मुझसे युद्ध कर, चलूंगा अभिमान अभी चूर चूर कर देता हूं। चलूंगा जिस समीपे में वह भूचाल भी आएगा। अरे धरती की तो क्या बिसात, आसमान भी धर जाएगा। मैं वो पिल्ले हूं जो तुझ जैसे तुच्छ राक्षस को एक फूंक में उड़ा देता हूं। मुझसे युद्ध कर युद्ध, तू बातों में समय नष्ट ना कर। अभी सारा मजा चखा देता हूं मैं, तेरी हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूं मैं। मेघनाथ को बुला कर लाता हूं। युवराज मेघनाथ, युवराज मेघनाथ, युवराज मेघनाथ, युवराज अक्षय कुमार मारे गए, युवराज अक्षय कुमार मारे गए। ए हो चला इंद्रजीत अतुलित जो श्री राम। आज हनुमान जी अशोक वाटिका में फलों का भोग लगा रहे हैं।
वहीं पर रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया। हनुमान ने उसका वध कर दिया। यह समाचार जब मेघनाथ को प्राप्त हुआ तो मेघनाथ अपनी सेना सहित महाबली हनुमान के पास जाते हैं। यहाँ पे आए हुए समस्त राम भक्तों से अनुरोध है कि आज की लीला लंका दहन तक जाएगी, तो कृपया कर यहाँ की शासन व्यवस्था को बनाए रखें। और रावण अंगद के संवाद के बाद भाभी जी घर पे हैं। सीरियल के कलाकार विभूति मिश्रा, मनमोहन तिवारी व अन्य कलाकार आपके समक्ष रहेंगे। जय श्री राम। हमारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, ऐसे कैसे संभव है? ये दुष्ट कार्य करने के पश्चात वो जीवित रहे? महाराज, आप हमें आज्ञा दें, जिसने भी ये कार्य किया है हम उसे सदैव सदैव के लिए इस पृथ्वी पर सुला देंगे। जी महाराज। यदि हम ये कार्य नहीं कर पाए तो हमें अपनी भुजाओं पे धिक्कार है, हमें अपने शस्त्र उठाने पे धिक्कार है। महाराज के रहते हुए ये कार्य हम करना चाहेंगे। महाराज आप विश्राम करें, हम अभी इस दुष्ट वानर को पृथ्वी पर सुला देंगे, इसके प्राणों को भर लेंगे। महाराज PHAT परफेक्ट। ऐसा मजा चखाता हूं। युवराज मेघनाथ की जय। युवराज मेघनाथ की जय। युवराज मेघनाथ की जय। डाली डाली तोड़कर लाता है चाल, बंदी करता हूं तुझे अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, बैरी को सदा हराया है,
जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। युवराज इंद्रजीत की। पर तू भयभीत ना हो मन में, बल नहीं दिखाऊंगा, केवल श्रीमान पिताश्री के सम्मुख बांध के तुझे ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बन पड़े तो अपने पुरखों को बुलवा ले तू। यू खड़ा खड़ा क्या तक रहा है, कुछ भाले और चला ले तू। आ मुझसे युद्ध कर। युवराज इंद्रजीत की। युवराज इंद्रजीत की। मुझे तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं, सहस्त्रों ही कर्तव्य तुझको दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा भी अक्त मानता हूं। लो फेंक रहा हूं ब्रह्म पाश, इसमें अब तुझे बांधता हूं। ले चलो वीरो इसे। पकड़ लिया इस बानर को, पकड़ लिया इस बानर को। पिताश्री के सम्मुख ले चलो। अब इस बानर को पकड़ के लंका की